हेलो दोस्तों, एक खूबसूरत सा ठंडा सा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। हेलो फ्रॉम हिमालयस, मैं हूँ आपकी दोस्त लतिका। और हाँ, आज मैं आपको एक जगह ले जाने वाली हूँ। ये छोटे छोटे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि अब इनकी जो छुट्टियाँ हैं ठंडियों की, वो शुरू होने वाली हैं। और नया साल ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। तो आप सबको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। और अब आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। गाइस, मैं ये मेरी स्कूटी और मैं स्कूटी से आई हूँ आज धारचूला। और आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये जो है नदी के उस तरफ, ये नेपाल है। ये सब नेपाल, नदी के उस तरफ वाला पूरा नेपाल। यहाँ से ये झूला पुल है जिससे लोग जाते हैं। और ये नदी के इस तरफ ये पूरा इंडिया है, मतलब ये पूरा नेपाल है। और ये इंडिया, मतलब मैं इंडिया में हूँ अभी, और नदी के उस पार जाऊँगी तो नेपाल होगा फिर। तो हाँ दोस्तों, मैं हूँ अभी धारचूला में। धारचूला एक छोटा सा टाउन है हिमालयस की गोद में। और ये हम जो बॉर्डर है नेपाल के साथ में शेयर करते हैं धारचूला से। ये धारचूला का मेन चौराहा है। और यहाँ पे नीचे बाज़ार है, और यहाँ से नीचे नेपाल के लिए रास्ता भी है, जहाँ पे मैं आप सबको बहुत जल्द लेके जाने वाली हूँ। तो आगे आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यहाँ के जो लोगों का मेन बोल सकते हैं कि इनकम का जो मेन तरीका है या मेन सोर्स है इनकम का, वो है ये जड़ी बूटियाँ बेचते हैं। क्योंकि यहाँ पे धारचूला में जो इंडिया की तरफ को लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी है या ट्राइब है जिसे कहते हैं भोटिया। और ये लोगों का मेन जो मैं ना बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, ये लोगों का मेन जो इनकम का सोर्स रहा है वो जड़ी बूटियाँ बेचना रहा है। और ये हाथ से बुने हुए भेड़ के ऊन के कपड़े बनाते हैं, वो बहुत गर्म होते हैं। और अभी मैं आपको अब दिखाऊंगी वीडियो में कि जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना एकदम से जायंट, ये जो है ये नेपाल के पहाड़ हैं। ढलता हुआ सूरज और दोपहर की धूप, सौंधी सौंधी सी वाली धूप, नहीं क्या, जो एकदम से अच्छी सी लगती है। और मैं हूँ अभी इंडिया की तरफ। दोनों देशों में जो ट्रेडिंग है, जो चीज़ों का लेन देन होता है, कि वहाँ से कुछ कपड़ा नेपाल से इंडिया में आता है, और इंडिया से कुछ जो हर्ब्स हैं वो नेपाल में जाती हैं, वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। नेपाल के लोगों का जो मेन सोर्स है इनकम का, जो रोज़गार है वहाँ के लोगों का, वो यही है कि वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया आते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो काम की तलाश में भी इंडिया आते हैं इन गाँव की तरफ से। और ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और दोनों ही देश के लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे वहाँ के लोग हैं वैसे यहाँ के भी हैं, और जैसे वहाँ के पहाड़ हैं वैसे पहाड़ इंडिया के भी हैं। बस लोगों ने बॉर्डर्स जो हैं वो खुद क्रिएट किए हैं। धारचूला बहुत सुंदर है, और यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, बहुत सुंदर छोटी छोटी सी दुकानें, और उन छोटी छोटी सी दुकानों में बहुत सुंदर से कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज, मफलर, शॉल, टोपियाँ और हर्ब्स, ये बहुत सुंदर एक अलग से आपको वैरायटी मिलेगी यहाँ पे ज्वेलरीज़ की और कपड़ों की, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सीधे हैं, और ये लोग भी जो भोटिया ट्राइब है वो लोग भी सेम जैसे जोहार वैली में लोग माइग्रेशन करते हैं वैसे ही माइग्रेशन करते हैं।
ये लोग जब बर्फ़ गिरती है तो नीचे धारचूला आ जाते हैं, अदरवाइज़ ये हिमालयस के पास में रहते हैं, जैसे व्यास वैली और दारमा वैली, वहाँ यहाँ पे भी वैलीज़ हैं। और ये जो हर्ब्स हैं, ये सब हर्ब्स जो हैं वो डायरेक्टली हिमालयस से आई हुई हैं। एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है नेपाल जाने से पहले, ये चेक पोस्ट है इंडिया की तरफ, यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड देकर एंट्री करवानी पड़ती है, और एक बार एंट्री करवा ली तो फिर आप फ्री हैं नेपाल जाने के लिए। और नेपाल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों के टाइम से बने हुए पुल हैं, इसे झूला पुल कहते हैं। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है काली नदी। नेपाल में इस नदी को महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये मैं कुछ टाइम पहले इंडिया में थी और अब मैं हूँ नेपाल में। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी कि वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने मुझे मना कर दिया था वीडियो रिकॉर्ड करने से, और ये लोग बोल रहे थे कि मनाही है कोई भी यहाँ पे इनके चेक पोस्ट पे वीडियोस रिकॉर्ड करने से। तो यस दोस्तों, अब आप हैं नेपाल में, वेलकम टू नेपाल। दोनों देशों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, और सेम ये लोग भी वैसे ही हर्ब्स बेचते हैं, और वैसे ही इनकी भी छोटी छोटी शॉप्स हैं, और जो ट्रेडिंग है इनकी ये भी इंडिया से ही होती है। ये घर जो है ये 1955 का है, बहुत पुराना घर। इधर का बिजली का बिल है। छुट्टियाँ होंगी क्या? मेरे एक ग्राम और एक एग्जाम है।
ग्रामर ग्रामर ड्राइंग। जी तो इंग्लिश मीडियम ही है। कौन सी क्लास की है ये? एट्थ की है। दीपांश इसका नाम। तुम्हारा नाम क्या है? सागर। सागर। तो बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर खेलने के बाद बगल में ही एक दुकान थी, वो दुकान में जो भैया थे मैंने उनसे जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवाई थी। मैंने उनसे कुछ नेपाली नोट ले लिए थे, 100, 50, 20, 5 का, और जो नेपाली करेंसी है उसकी वैल्यू 6 रुपये कम है इंडिया की करेंसी के हिसाब से। और नेपाल में जैसे हमारे यहाँ पे जियो मार्ट है, डी मार्ट है, वैसे ही यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला साथी मार्ट। और कुछ चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी अलग थी। उसके बाद मुझे लगी थी भूख और मैं निकली थी खाने की तलाश में। तो मैं पहुँची इस मूनलाइट कैफ़े में जो कि बहुत सुंदर है, और एक यही ऐसा कैफ़े था जहाँ पे कॉफ़ी मिलती थी। मैं कॉफ़ी पीती हूँ नहीं, बट मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड आके है उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो हाँ हम ये कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ गए। और फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे खाई चाउमीन, और ये चाउमीन का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग था हमारे यहाँ की चाउमीन से। इसमें थोड़े स्पाइसेस कम थे, थोड़े मसाले कम, मिर्च कम, और सोया सॉस का भी कम यूज़ किया गया हुआ था, और चाय भी थोड़ी सी अलग थी। इनका नाम है हरीना और इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है अपना सामान बेचने या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए या कुछ काम से जब धारचूला जाते हैं तो इन्हें भी सेम हम जैसे आधार कार्ड दिखाते हैं वैसे ही अपनी नागरिकता दिखानी पड़ती है इंडियन चेक पोस्ट पर। इनसे जब मैंने पूछा कि ये कभी पिथौरागढ़ आए हैं तो इन्होंने मुझे बताया कि ये पिथौरागढ़ आते हैं, एक या दो बार ये लोग पिथौरागढ़ आए हैं, वो भी हॉस्पिटल में, क्योंकि पिथौरागढ़ का जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा बड़ा है धारचूला या फिर धारचूला के हॉस्पिटल से। और इन्होंने बताया कि जब भी इन्हें अभी जाना पड़ता है तो इन्हें नागरिकता दिखानी पड़ती है, और ये इस चीज़ से खुश नहीं थे कि इन्हें बार बार चेकिंग करवानी पड़ती है। गाड़ी का नंबर भी ये लोग नेपाली में लिखते हैं, ये थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज टाइप की होती है अपनी हिंदी जैसे, थोड़ा सा अलग है, मतलब ज़्यादा इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश दे आर यूजिंग नेपाली, और नेपाली में कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, ये हिंदी जैसी लगती है अगर पढ़ी जाए तो। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ना, हमरो यहाँ विभिन्न प्रकार का पेय पदार्थ ऐसे पर लिखा हुआ है, और कम इंग्लिश के वर्ड्स का यूज होता है। हाय, हाँ।
इंडिया वापस. देयर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस इन बोथ कंट्रीज, बिटवीन बोथ कंट्रीज. मीन्स इंडिया की ना वाइब ही अलग है और उधर का वाइब ही अलग है. और एक बात कहूँ तो ना अपने ही देश में आके अच्छा लगता है. ये रहा नेपाल. यहाँ का और जो मुंशारी का जो पहाड़ है ना, उनमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ ना रोड आ गई है. मुंशारी में भी रोड जा रही है अभी, लेकिन मुंशारी में ना जो रोड जा रही है वो जो पैदल रास्ता है ना, मैं वो करके आई थी तो वो बहुत खूबसूरत था. और ये ऊपर ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, दूर पंचायती दिखाई दे रहा है. मतलब ये पहाड़ के पीछे दारमा है, ये वाले पहाड़ के पीछे दारमा दिखा है. और ये औरतें यहाँ पे ऐसे लकड़ियाँ काट के लेके आती है जंगल से. थोड़ा लाइफ जो है वो डिफ़िकल्टी है यहाँ पे. तो दोस्तों, पूरा दिन नेपाल में बिताने के बाद मैं फाइनली सोचा कि मैं थोड़ा लोगों से पूछती हूँ, अगर वो अभी भी दुक्तू या दारमा वैली की तरफ ले जाते होंगे तो मैं उनसे पूछूँगी कि क्या वो मुझे भी ले जाएंगे वहाँ पे. तो जब मैंने जो एक एजेंसी थी उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पॉसिबल तो नहीं है, बट दे विल ट्राई. और उन्होंने बोला कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे थे. तो फिर मैं थोड़ा सा गई और हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सड़क जो है वो बहुत ब्रॉड बन रही है, बहुत अच्छी रोड बनने वाली है. और उसका काम ना BRO के पास में है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और बहुत अच्छी सड़क बना रहे हैं. होप जल्दी ही ये सड़क का काम पूरा हो जाएगा और ये सड़क ऐसी हो जाएगी कि मैं अपनी स्कूटी तुक्तू और दारमा तक आराम से ले जा सकूं. लोग जो हैं वो मुझे अभी भी बोल रहे थे कि अगर आप चाहो तो आपकी स्कूटी आराम से जा सकती है, बट मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि रोड में मिट्टी थी और झरना तो हम देख ही रहे हैं, बहुत पानी है और हर जगह पानी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से रोड में थोड़ा ये ना स्लीपी हो गई थी, रोड थोड़ा फिसलन हो गई थी. तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने ये ट्रिप जो है दुक्तू, दारमा, आदि कैलाश, ये सब ना पेंडिंग रखी हुई है. मैं ये सब करूँगी आगे अप्रैल और मई में, और जब भी भोलेनाथ चाहेंगे तब मैं वहाँ जाऊँगी. काम यहाँ पे सड़कों का बहुत तेज़ी से चल रहा है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं और सड़कें जो है वो बहुत ब्रॉड बन रही हैं, बहुत सुंदर है. क्योंकि ना ये आर्मी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ में भी और नेपाल के साथ में भी शेयर करते हैं. धारचूला से ऊपर को बहुत सुंदर है और होप कि मैं जल्दी वहाँ जाऊँगी. दो दिन धारचूला में बिताने के बाद तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर वापस जाऊँगी. और मैंने उससे पहले सोचा कि क्यों ना मैं जॉली जीपी में जाके आऊँ. तो ये जॉली जीपी है और यहाँ पे भी सेम वैसा ही झूला पुल है इंडिया से नेपाल तक का, और इसमें भी सेम वैसी चेक पोस्ट है. और उसके अलावा ये जो जगह है यहाँ पे, ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो गोरी नदी है और काली नदी है ये दोनों का संगम है. तो जो गोरी नदी है उसका मैंने ऑलरेडी मेरे जोहार वाले वीडियो में बताया हुआ है कि वो कहाँ से आती है, और जो काली नदी है ये पंचाचूली और ये तरफ के जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ से आती है. और ये दोनों नदियाँ जॉली चिपी में मिल जाती हैं. जॉली चिपी में बहुत एक फेमस मेला भी होता है हर साल. और इस तरह मेरा जो ट्रिप था वो मैंने पूरा किया और ये जॉली जी भी है और यहाँ पे मैंने चाय बिस्किट खाया था और ट्रिप ख़त्म की थी. होप कि आप सबको ये पसंद आया हो. और आपका कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए.
थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।